Good morning, students. Today I am going to talk about asexual reproduction in plant. पहले वाले सेक्शन में हमने जनरल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हम डिस्कस किए थे फीजन, बर्डिंग, प्लास्मोटोमी, रिजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे हमने डिस्कस किया था। आज हम स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें है एक एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टू टाइप्स का होता है, एक हो गया जो हायर प्लांट्स में हमें नहीं देखा जाता है, एक को बोलता है एपोमिक्सिस, ठीक है, और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दिस इज अ टू टाइप्स, एक है एपोमिक्सिस और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एपोमिक्सिस का जनरल मतलब होता है एपो मींस विथआउट एंड मिक्सिस मतलब हुआ मैरिज। फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग कैन से दैट एपोमिक्सिस फेनोमेना हैपन इन दैट प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, बिना गैमेट के फ्यूजन का जो प्लांट नए प्लांट को बनाते हैं और पैदा करते हैं उन प्रक्रिया को बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो मेथड है जहाँ पे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का इन्वॉल्व होता है इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जिसे रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है, जिसे हो गया फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, बाकी जो सारे हैं वो सारे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे स्टेम लीव्स रूट ब्रांचेज, ये सारे क्या है वेजिटेटिव पार्ट है। ये सारे पार्ट जो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में उन फेनोमेना को बोलता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या क्या है? नेचुरल प्रोपागेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल मेथड में क्या होता है, वो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरली होता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिना हमारा इंटरफेरेंस का होता है जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उनको बोलता है नेचुरल वेजिटेटिव। और आर्टिफिशियल प्रोपागेशन वो है जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग एंड द टेक्निक्स डिस्कवर्ड, तो वो हो गया आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। ओके, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस मतलब विदाउट मैरिज, जहाँ पे सिंगल प्लांट जाके बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नए प्लांट बनाते हैं, उन प्रोसेस को बोलता है एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस देखा गया तो थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है। एक है एड बैंड थ्री ट्यूब पोली इम्ब्रियोनोमी,
इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल का न्यूसेलस पार्ट होते हैं, सो इन द ओव्यूल देयर इज न्यूसेलस रीजन, ठीक है। ए सपोज ए ओव्यूल है, एक ओव्यूल है, एक नॉर्मल एनाट्रोपस ओव्यूल ले लिया, ठीक है। ए ओव्यूल्स है, इनका जो ए पार्ट है, इन पार्ट में जो सेल्स होता है उनको बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। ये जो रीजन है यहाँ पे, फिर एक है इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक के बाहर वाला रीजन है उनको बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। ये है न्यूसेलस और इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, ठीक है। तो एडवेंटेटिव इम्ब्रियोनॉमी में क्या होता है कि लुक दिस वन, दिस इज देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हियर, बहुत टाइप का सेल्स है, ओके विल लेबल इट। सो ये जो सेल्स है, ठीक है, ये सारे क्या है, न्यू सेल्स का सेल है, ठीक है। और ये वाला सेल्स है, ये जो वाला सेल्स है, यहाँ के जो भी सेल्स है वो है इंटेगुमेंट्स वाली सेल्स, दीज आर लाइक रीजन ऑफ इंटेगुमेंट्स, यहाँ भी डिफरेंट सेल्स है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एडवेंटेटिव पॉली इम्ब्रियोनोमी में ए न्यूसेलस का सेल्स, आइदर न्यूसेलस का सेल और इंटेगुमेंट रीजन का सेल, इन दोनों में से कोई भी सेल जाके क्या करता है, इम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आइदर दिस और दिस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो, और ए सेल क्या है, डी सेल्स आर डिप्लोइड, ये जो सेल्स है ये डिप्लोइड सेल्स है। तो ये जो सेल्स डायरेक्टली इम्ब्रियो बनाते हैं, ओके, ये जो सेल है जो डायरेक्टली जाके इम्ब्रियो बनाते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलेगा एडवेंटेटिव पॉली इम्ब्रियोनोमी। और ये जो प्रक्रिया है ये मेनली होता है, दीज आर हैपनिंग इन केस ऑफ साइट्रस प्लांट, साइट्रस प्लांट्स में होता है, क्लियर। सो दीज आर हैपनिंग इन केस ऑफ साइट्रस प्लांट, ओके। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज, दूसरे टाइप का एपोमिक्सिस है वो है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, देखो ये क्या है, ये ओव्यूल है ना, दिस इज ओव्यूल एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो सैक देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हियर, ठीक है, ये पूरा भरे होते हैं सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन न्यू सेल्स रीजन, ये सारे क्या है, न्यू सेल्स रीजन है ना। तो ए न्यू सेल्स रीजन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, इन सेल्स में से देखो ये जो सेल्स है, इन सेल में से ए है चालाजल रीजन,
प्रिज्म और ये है माइक्रोपैलेट। ठीक है, यहाँ पे एक सेल होता है जो माइक्रोपैलेट के ओर होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मेगास्पोर मॉडल से। क्या बोलते हैं इनको? मेगास्पोर मॉडल से। ये है मेगास्पोर मॉडल से। अब इन केस में क्या होता है कि जो ये मेगास्पोर मॉडल सेल है, इनको एमएमसी भी बोलता है शॉर्ट में, ये जो मेगास्पोर मॉडल सेल है बिना कोई इंटरफेरेंस के, मेगास्पोर मॉडल सेल क्या होता है, इंडियोसाइट बनाएगा बाद में जाकर मियोसिस से। बट यहाँ पे क्या होता है, इस केस में कोई भी इंडियोसाइट वगैरह नहीं बनता है। ये जो मेगास्पोर मॉडल सेल है, जो मेगास्पोर मॉडल सेल है डायरेक्टली फॉर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो। दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो एंड दिस एम्ब्रियो विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। सो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से जाके न्यू प्लांट्स फॉर्म होगा। ये जो प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ what you say embryo from megaspore mother cell, can say the formation of embryo, embryo का formation megaspore mother cell से होने वाला process को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, recurrent apomixis। ठीक है, इनको रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एगैमियस फॉर्मिंग भी बोला जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एपोमिक्सिस और एगैमिया। इस फॉर्म, ठीक है, तो इन प्रोसेस को हम बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है ए प्रोसेस है, मेगास्पोर मॉडल से एम्ब्रियो फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, इनको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस। इनका एग्जांपल से ले सकते हैं, हियर द एग्जांपल विल बी लाइक क्या है, एप्पल में होता है, एप्पल and alien, these are the examples। clear है recurrent apomixis क्या होता है। अब जाके तीसरा टाइप का है, तीसरा टाइप का apomixis है, उनको बोलते हैं non recurrent apomixis। ठीक है, अभी क्या है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जैसे हमने बनाया था, ये ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, एक ओव्यूल है, ये इनका इंटेगुमेंट है। ठीक है, इनका ए इंटेगुमेंट है। अब जाके यहां से क्या होगा, इम्ब्रियो सेक फॉर्म होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल है उनसे इम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब इम्ब्रियो सेक फॉर्म हुआ तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे दो सेल होते हैं जिनको, जो दो न्यूक्लियस होता है जिनको पोलर न्यूक्लियस बोलता है, और यहाँ पे तीन टाइप्स का सेल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो टाइप का सेल होते हैं,
यहाँ भी तीन सेल है, ठीक है। सो ये जो है टिपिकल ओव्यूल का प्रेजेंटेशन है, और ये जो है ये पार्ट है, इनको हम एग बोलते हैं, ठीक है, एग और ओवम बोलते हैं। और ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो दो सेल्स है साइड में, इनको हम बोलते हैं सीनर्स। ठीक है, और यहाँ पे तीन सेल दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, ये तीनों सेल को हम बोलते हैं एंटी मोडल्स। ठीक है, और ये जो दो न्यूक्लियस दिखता है यहाँ पे बीच में, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में, देखो ये एग और ओवम है, ये क्या होता है, ये जितना भी सेल्स है सब हैप्लोइड है, क्या दे ऑल आर इन हैप्लोइडी मैच। अब जो एग और ओवम है, एग और ओवम डायरेक्टली जाके क्या बनाता है, सो इट विल डायरेक्टली फॉर्म एम्ब्रियो बिना फ्यूजन के, बिना गैमेट्स का फ्यूजन, बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के। इन प्रोसेस को बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिसिस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इनको हम बोलेंगे क्या, नॉन रिकरेंट एपोमिसिस। क्लियर है, क्या होता है इस केस में, नॉन रिकरेंट में क्या होता है, ओवम से डायरेक्टली इम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, इट इज कॉल्ड नॉन रिकरेंट एपोमिसिस। एंड द फ्रूट व्हिच इज फॉर्मड बाय दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इन ऐसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो फ्रूट बनता है, उन फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट फॉर्म इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, एग्जांपल्स है इनका, एग्जाम्पल्स में ले लो क्या है, कुकुम्बर, पाइन एप्पल एक्सेट्रा, बनाना एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब है एग्जाम्पल इनका नॉन रिकरेंट एपोमिसिस का। क्लियर है क्या होता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब जाके हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बिफोर नोइंग द वेजिटेटिव प्रोपागेशन विल डिफाइन व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट क्या है, सो वेजिटेटिव पार्ट्स आर दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर दोज पार्ट
which do not participate in sexual reproduction. वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट है प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट्स नहीं करता। जैसे एग्जांपल्स है वेजिटेटिव पार्ट्स का, रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट। अब जाके वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कैसे डिफाइन करेंगे हम इनको वेजिटेटिव प्रोपागेशन को, the formation of new plant from vegetative parts of the plant। It's called vegetative propagation। ठीक है, ये क्या है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट को पैदा करना और नए प्लांट को बनाना फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उन प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन नेचुरल हम बात करेंगे पहले, और उसके बाद आके हम बात करेंगे कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स जो ऑफ में आया गया है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, उनके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, नाउ इट इज अंडरस्टूड व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट है जो जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, प्लांट का वो पार्ट। अब सोच सकते हैं प्लांट का फ्लावर के छोड़ के जितना सारे पार्ट है सब वेजिटेटिव पार्ट्स है ना, फ्लावर्स का, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब जो फ्लावर प्रोडक्ट है और फ्लावर है, इन सब के छोड़ के जितना सारे पार्ट है सब वेजिटेटिव पार्ट है। अगर इन सब पार्टों में से कोई पार्ट जाके नया प्लांट बनाने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उन पार्ट को, उन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट जो जाके नया प्लांट्स बनाने में हेल्प करता है, नया प्लांट बनाते हैं, तो उन पार्ट को हम बोलेंगे क्या, वेजिटेटिव पार्ट्स, और वो रिप्रोडक्शन को बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन This type of reproduction through vegetative part is occurring naturally. They occur naturally. Example है
इनका इनका जो एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल लाइक प्लांट लाइक साइनोडॉन। साइनोडॉन जो प्लांट है वो जाके रनर की थ्रू, रनर जो प्रोजेक्शन ऑफ स्टेम है उनके थ्रू दे प्रोपागेट टू फॉर्म न्यू प्लांट बाय फ्रॉम स्टेम, और ये प्रोजेक्शन है रनर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जैसे पोटैटो है। पोटैटो किससे होता है? यहाँ भी स्टेम है, ये होगा ट्यूबर। ठीक है, नया प्लांट बनाते हैं, न्यू प्लांट। ठीक है, सो हम इंडिविजुअली हर पार्ट्स का बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम जो वेजिटेरी प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं, ओके, लाइक वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। स्टेम स्टेम का भी डिफरेंट पार्ट्स होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, कुछ में कुछ को बोलते हैं रनर। ठीक है, तो रनर में क्या होता है, ये है सपोज एक प्लांट है, ठीक है, ये जो अर्थ है, ये स्टेम है, ये कुछ ऐसे टाइप का प्रोजेक्शन प्रोड्यूस कर, ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे नोड्स है, ठीक है, डिफरेंट नोड्स है। अब सपोज यहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, क्या मिल रहा है इनको, फेवरेबल कंडीशन। जब जाके इनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, नया प्लांट बना देगा। ठीक है, अब जाके नया प्लांट बना देगा, तो इन प्रोसेस को बोलते हैं, ये है थ्रू रनर। रनर क्या है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इन टाइप का प्रोपागेशन हमें देखना देख सकते हैं हम इन प्लांट पर, साइनोडॉन और ऑक्सिलेंस। ठीक है, अब जाके ए सेम टाइप है, ठीक है, रनर के टाइप का है बट एक्वाटिक प्लांट में होते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है, सपोज एक एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, ये क्या करेगा, स्टेम से एक नोड, एक वो प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करेगा, बट इस प्रोजेक्शन में क्या है कि एक ही इंटरनोड है। इंटरनोड पता है, ये जो हो गया, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, इन दोनों का बीच का जो गैप होता है उनको बोलता है इंटरनोड। ठीक है, यहाँ पे एक ही इंटरनोड है, मतलब एक ही नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड नोड। तो जब जाके इनका फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो यहाँ पे जाके नए प्लांट बना देते हैं। ठीक है, इट हैपन प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट, फिर यहाँ से ये भी प्रोड्यूस करता है और ये फिर भी जाके नया प्लांट ऐसे करके बनता है। सो दिस इज प्रेजेंट इन, जैसे इन ऑफसेट का एग्जांपल है, क्या एग्जांपल इनका, इकोर्निया, जिनको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, हाइसिंथ इनका नाम तो सुना ही होंगे इनको, हम एक टाइम पे इनको इनको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक्जोटिक स्पीसीज है जो बाहर से लाया गया है और यहाँ पे इनका कोई प्रीडेटर नहीं, तो ये क्या करेगा, वाटर बॉडी में ग्रो करता है
और मेरे इनका लाने का पर्पस ये था कि ये बहुत सुंदर फूल वगैरह देता है, तो होल वाटर बॉडी विल लुक लाइक व्हाट यू से ब्यूटीफुल। तो इनके पर्पस से इनको बाहर कंट्री से बाहर बायोम से लाया गया और वाटर बॉडी में डाल दिया। तो इनका क्या था, प्रीडेटर नहीं था, कोई इनका खाने वाले नहीं थे, और इसी कारण से इनका जो था प्रोडक्शन, मतलब इनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा कि पानी का वाटर बॉडी इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय दिस रूम। इन्हें क्या किया कि पूरा वाटर बॉडी को इनका, तो इन्होंने क्या किया पूरा वाटर बॉडी को कवर कर दिया। इसी कारण से क्या होगा कि वाटर में जो ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, आइदर इन बीओडी और सीओडी, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों बहुत ज़्यादा हो गया, उतना डिजॉल्व ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं रहा पानी में। और इसी कारण से क्या होगा कि जितना भी एक्वेटिक लाइफ है सबका, मतलब क्या बोलो, एवरी एक्वेटिक लाइफ स्टार्ट सफरिंग क्योंकि ऑक्सीजन का कमी था वहाँ पे। तो इसी कारण से इनको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल इनका पिस्टिया, ठीक है। अब जाके हम एक और स्टेम मॉडिफिकेशंस का दूसरा बात करते हैं। हम रनर ऑफसेट हो गया, अब है एक को बोलते हैं सॉकर, ठीक है। क्या है सॉकर, सॉकर क्या होता है, रनर क्या जाता था हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल सरफेस का पैरेलली जाता है। अब ये क्या है, इट विल गो सक्कर, वो स्टेम का प्रोजेक्शन है जो ग्राउंड में जाते हैं और नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। इट विल गो, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज अंडरग्राउंड, यू कैन से दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट अंडरग्राउंड, ठीक है। इनका ज्यादा पार्ट क्या है, अंडरग्राउंड है, और ये क्या करता है डायरेक्टली ग्राउंड की तरह जाता है, और जब जाके इनको मॉइस्चर कंडीशंस वगैरह सूटेबल मिला तो नए प्लांट बन के निकलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल इनका है क्राइसेंथेमम, ठीक है, क्राइसेंथेमम एनिमम, ये इनका एग्जांपल्स है। फोर्थ पार्ट है, ये क्या है, इनको बोलते हैं स्टोलन, ठीक है। अब ये स्टोलन जो है वो क्या करता है, अबोव द ग्राउंड होता है, दैट इज इट इज ऑलवेज अबोव द ग्राउंड, इनका एग्जांपल्स है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब जाके हम और स्टेम मॉडिफिकेशंस का बात करेंगे। अब है फिफ्थ नंबर पे है राइजोम, ये क्या होता है कि स्टेम में से सॉडन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन निकलता है फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम का जो अंडरग्राउंड पार्ट है उनमें से थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिनको बोलते हैं राइजोम्स, और वो जाके नया प्लांट बनाते हैं, जिसे हम जिंजर के केस में देख सकते हैं। सपोज दिस वन इज अ जिंजर, कुछ ऐसे ही होता है ना, बल्जिंग बॉडी, ये जिंजर है। और इनका बॉडी सरफेस पे हम देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे पार्ट प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है।
और ये जो प्रोजेक्शंस है ये क्या करता है, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है, दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड राइजोम, और ये क्या करता है, ये डेवलप कर देता है न्यू प्लांट। इनका एग्जांपल है जिंजर, टर्मेरिक, टर्मेरिक ठीक है, और बनाना, बनाना के केस में भी राइजोबियम से ही नया बनाना ट्री फॉर्म होता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। अब जाके हम फिफ्थ पार्ट के सिक्स्थ स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, उनको बोलते हैं ट्यूबर, इनको क्या बोलते हैं, ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर मतलब क्या, एक प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर में क्या होता है, देयर विल बी लाइक आई लाइक प्रोजेक्शन, जो आई लाइक प्रोजेक्शन है, सपोज दिस इज अ पोटैटो, एक आलू है, आलू में आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट इनको आई भी बोलते हैं, ये जाके हर ए पार्ट नया पोटैटो प्लांट डेवलप कर देता है, ये हर एक पार्ट का पोटेंशियल है नया पोटैटो प्लांट डेवलप करने का, ठीक। सो ये है डिफरेंट पोटैटो प्लांट जो पोटैटो ट्यूबर से बनाता है, इनका जितना भी आई है पोटैटो का उन सब में से नया प्लांट बन जाता है, तो ये पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है। और एक जब डायग्राम नहीं है, वैसे मैंने प्लांट का रिप्रेजेंटेशन किया है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, वो एग्जैक्ट नहीं है, पोटैटो प्लांट एग्जैक्टली डिफरेंट होता है इनसे। अब जाके हम बात करते हैं सिक्स्थ वन, ओके, और है ये सिक्स्थ नहीं है क्योंकि सेवन है, तो ये है स्टोलन, स्टोलन का बात किया गया, कॉम का बात करते हैं। कॉम क्या होते हैं, इट इज आल्सो मॉडिफाइड स्टेम इन द फॉर्म इन प्लांट कॉल्ड कोलोकेसिया में होता है, और ये भी कुछ बल्जिंग मार्क से होता है, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है कुछ इस तरह का ही होता है, सपोज एक प्लांट है इनका स्टेम है, ठीक है। इनमें जो मानो यहाँ पे स्टेम का कोई बॉर्डर है, यहाँ पे और बल्जिंग बॉर्ड निकल गया, इनसे क्या होगा कि नया प्लांट बन जाएगा, कोलोकेसिया के फॉर्म में इनको टोड़ा भी बोलता है, ठीक है। अब जाके है द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है, बल्ब। बल्ब में क्या होता है, द बल्ब पार्ट इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम इन केस ऑफ गार्लिक, गार्लिक के केस में होते हैं, ऑनियन के केस में होते हैं, ठीक है। जो अंडरग्राउंड जो बल्जिंग पार्ट होता है समथिंग ऐसे वाला, इनको बल्ब बोलते हैं, ठीक है। देखे होंगे ऑनियन में गार्लिक में, इनको बल्ब बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बल्ब, और ये जाके नया प्लांट बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम which is participating naturally
फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द लीफ। अब लीफ के बारे में बात करते हैं हम। जो लीफ है, लीफ में भी कुछ बर्ड होते हैं जो जाके क्या करता है कि न्यू प्लांट फॉर्म में हेल्प करता है। सो लीफीज आर द बर्ड प्रेजेंट इन द लीफ लाइक ब्रायो फाइलम, बेगनोरिया, कैलेंचोय। इन सब का लीफ कुछ इस टाइप का होते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ लीफ दे आर हैविंग। ठीक है। और लीफ में क्या होता है कि यहाँ पे बर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड होते हैं। ए बर्ड से क्या होगा, दीज आर द बर्ड। और ए बर्ड को हम बोलते हैं क्या, फोलियर बर्ड। ए फोलियर बर्ड से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये नया प्लांट बनेगा यहाँ से। ठीक है, दिस हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। जमीन को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब जाके क्या करेगा, नया प्लांट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज द प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन नेचर बाय वर्ड। अब जाके हम बात करेंगे रूट से, जो नेचुरल प्रोपेगेशन होते हैं। अब रूट का बात करें, सुल्टा के बाद रूट। अब रूट में क्या होता है कि जैसे हो गया कुछ ट्रीज है, जैसे हो गया सीसम ट्री, जिनको डाल बढ़ गया सीसो भी बोलता है। उनमें क्या होता है, जो रूट रीजन है उनके पास एक बर्ड होता है, उनको बोलते हैं रेडिकल बर्ड। रेडिकल बर्ड से नया प्लांट का ओरिजिन होता है, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जैसे वो एग्जांपल्स में है, डाल बढ़ गया शिशु। ठीक है, डलवर्गिया शिशो है और स्वीट पोटैटो। इनके पास क्या होता है, रेडिकल बर्ड होता है। दे आर हैविंग रेडिकल बर्ड। सपोज ये एक, सॉरी, इस केस में क्या होता है कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक रूट सिस्टम है। ठीक है, एक रूट सिस्टम है, यहाँ से प्लांट है, प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे जाके ये रेडिकल है, रेडिकल बॉय। ठीक है, ये जो रेडिकल बर्ड है, जब जाके इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो जाके रेडिकल बर्ड क्या करेगा, यहाँ से, दिस इज द रेडिकल बर्ड। सो दिस रेडिकल बर्ड हेल्प इन प्रोजेक्शन ऑफ न्यू प्लांट।
ए है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट। सो अभी तक हमने डिस्कस किया जितना भी नेचुरल मेथड्स था फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब जाके नए वीडियोस में हम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन और माइक्रो प्रोपागेशन डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक लेफ्ट है जो प्लांट का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक, और टुडे ओनली अप टू दिस वन। थैंक यू।